सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम हैं लखनऊ में, लखनऊ का हुनर हाट कवर करने के लिए। बड़ी फेमस हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी लगी है लखनऊ में, करीबन एक हफ्ते से ऊपर हो गया है, 10 दिन के आसपास ये रहने वाली है लखनऊ में। चलिए आपको हुनर हाट की सैर कराते हैं आज के दिन में, और दिखाते हैं आपको हुनर हाट की क्या क्या चीज़ें हैं अवेलेबल वहाँ पर, क्या क्या खरीद सकते हैं आप, क्या क्या शॉपिंग कर सकते हैं आप, क्या क्या घूम सकते हैं आप, क्या क्या देख सकते हैं आप। देखिए क्राउड कितना ज़बरदस्त है हुनर हाट जाने के लिए, तो हम भी हैं रास्ते में हुनर हाट जाने के लिए। चलिए अंदर ले चलते हैं आप हुनर हाट में, और दिखाते हैं आपको हुनर हाट के नज़ारे आज के दिन में, संडे को लखनऊ। ये हम खड़े हैं लखनऊ के हुनर हाट में 2021 नवंबर में, जबरदस्त भीड़, जबरदस्त क्राउड हुनर हाट का। इस तरफ में पूरा, यहाँ है पूरा खाने का स्टॉल। बाप रे क्या भीड़ है इन स्टॉलों में खाने की, जबरदस्त वेज नॉन वेज चाट और ताशे, जबरदस्त। संडे का पूरा मजा उठाते हुए, लखनऊ का क्राउड जबरदस्त एंजॉय करते हुए, भीड़ देखिए, शोरमा हांडी मटन चंपारण मटन, देखिए बहुत डिफरेंट तरीके की डेकोरेशन के आइटम्स। लोकल हैंडमेड आइटम आपको यहाँ मिलेंगे, डिफरेंट वैरायटी, कारपेट जो आपको चाहिए सारी चीजें यहाँ अवेलेबल है, डिफरेंट लाइट्स, डिफरेंट टाइप के फर्नीचर, लाइट्स, देखिए जबरदस्त। ये मेटल आर्ट वेयर नदीम दिल्ली। ये देखिए क्रॉकरीज, डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स, कॉटन सूट्स, डेकोरेशन के आइटम्स, कारपेट्स, पॉट्स, क्या चाहिए आपको, जो चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल, वो यहाँ पे आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं।
हैंडीक्राफ्ट पूरा आपको यहाँ अवेलेबल है, डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट डिज़ाइन में पूरा हैंडीक्राफ्ट, वोकल फॉर लोकल को अप्रिशिएट करते हुए। यहाँ सूट, साड़ियाँ, बेडशीट्स, क्लॉथ्स, बहुत कुछ, बहुत वैरायटी में यहाँ अवेलेबल है। ये देखिए वॉचेस, हैंडमेड वॉचेस, और हुनर हाट जो थीम है वो क्राफ्ट, क्यूज़ीन और कल्चर के बेस पे है, वोकल फॉर लोकल, हैंडमेड को बढ़ावा देने के लिए स्टेट में। कुछ समय पहले ये दिल्ली में भी लगा था, लखनऊ में है। ये बिहार का हैंडीक्राफ्ट सूट्स, कपड़े, शॉल गाजियाबाद का, और इस हुनर हाट के जरिए 75th आज़ादी का महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, यह कारपेट, डिफरेंट वैरायटी में, डिफरेंट डिजाइन, डिफरेंट साइज, बहुत कुछ, बहुत अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश। आपको भीड़ देख के अंदाजा हो रहा होगा कितना जबरदस्त है ये क्राउड, और यहाँ की भीड़ देख के आपको अंदाजा हो रहा होगा आज संडे का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं लोग लखनऊ में। ये काकोरी जो आजादी के टाइम पे ट्रेन से लूट हुई थी उसकी है, और ये अलग अलग तरीके से चीज़ों को दिखाने की कोशिश यहाँ पे की गई है, अलग अलग वैरायटी। जबरदस्त क्राउड है, गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है बाहर। बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पे इकट्ठा है। जबरदस्त खाने का आइटम, जबरदस्त पहनने का आइटम, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कपड़े, और ये लखनऊ के कान्हा स्टेडियम के आगे लगाया गया है। बहुत बड़े पैमाने पे, करीबन 400 के आसपास स्टॉल है। 12 से 21 नवंबर की डेट और 10 बजे से रात के 10 बजे तक के लिए यहाँ पे इसको लगाया गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार। आप आएंगे तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा यहाँ पे एंजॉय करने। बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, खाने पीने, घूमने, शॉपिंग, सारी चीज़ों से आपको एक ही जगह सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। ये सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे, डिफरेंट तरीके से स्टॉल्स हैं। ये है मेन एंट्रेंस, आप देखिए भीड़ लगातार आ रही है। शाम के, इनफैक्ट दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। जबरदस्त भीड़ आपको यहाँ दिखाई देगी, जबरदस्त भीड़ है। लोग फोटो खिंचाते हुए,
और ये देखिए लकड़ी के फर्नीचर कितने जबरदस्त आपको दिखेंगे, हैंडीक्राफ्ट, हैंडमेड, हैंडमेड आर्ट। और ये स्टॉल के बाद ये एंटरटेनमेंट के लिए डिस्प्ले स्क्रीन जहाँ प्रोग्राम्स होते हैं शाम को। और इधर भी खाने के स्टॉल, अलग अलग तरीके के, राजस्थान के, महाराष्ट्र के, उत्तर प्रदेश के। और ये प्रोग्राम्स यहाँ पे हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट देश में, अलग अलग दिन पे अलग अलग लोगों का प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है। और आज पंकज उदास का प्रोग्राम है, गजल का एक है। तो शाम के एंटरटेनमेंट का भी पूरा इंतजाम यहाँ पे किया गया है कि आप आएंगे, खाइए पीजिए, एंटरटेनमेंट कीजिए, पूरा दिन एंजॉय कीजिए। यहाँ पे आप पूरी तरीके से भीड़ देखिए, आप जबरदस्त क्राउड आपको मिलेगा, संडे का पूरा मजा लेते हुए लोग यहाँ पे। और यहाँ राजस्थानी खाने का टेस्ट हम भी लेते हुए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तकरीबन सारी चीजें जो आप चाहते हैं वो यहाँ खरीद सकते, बहुत ही डिफरेंट तरीके की चीजें आपको यहाँ मिलेंगी, विंटर से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड, फर्नीचर से रिलेटेड, इनफैक्ट शूज, पर्स, बेल्ट, घर के डेकोरेशन के आइटम, फ्लावर्स, ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। बहुत जबरदस्त स्टाइल के हैंडीक्राफ्ट एंड हैंड पेंटेड लैम्प शेड्स हैं ये क्लॉथ के ऊपर। ये उड़ीसा और तेलंगाना का हैंडीक्राफ्ट यहाँ पे अवेलेबल है। और ये बर्ड नेस्ट टाइप के लैम्प्स, और ये आंध्रा का एक स्टॉल, जूट एंड लेदर बैग्स, उसके बगल में जरी एंड जरी गुड्स, हरियाणा का शूज, और ये ड्राई फ्लावर अरुणाचल प्रदेश स्टॉल। और ये अपने उत्तर प्रदेश का मार्बल का हैंडीक्राफ्ट, देखिए कितना जबरदस्त। और ये है हरिद्वार का ब्रास, पीतल का काम। तो अब ये स्टॉल आखिरी एंड की तरफ राजस्थान का, बहुत अच्छे तरीके से इसको डिजाइन किया गया, बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। ये अब आपको दिख रहा होगा हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, और ये वोकल फॉर लोकल के लिए क्या क्या चीजें यहाँ पे लगाई गई हैं वो मेंशन की हुई। तो अब हमारी यहाँ से वापसी हो रही है, ये जबरदस्त चीज़ों को कवर करने के बाद यहाँ से हम निकल रहे हैं।
बाहर की तरफ, बाहर भी ज़बरदस्त क्राउड है, गेट में भीड़ दिख रही होगी, इतनी ज़बरदस्त भीड़ है कि निकलना मुश्किल है। क्राउड इतना ज़बरदस्त है, तो लोग पूरा इंजॉय कर रहे हैं उन्हें, आप भी आइए और इन्जॉय कीजिए फैमिली के साथ। कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम बाहर निकल आए हैं, बाहर भी बहुत ढेर सारे स्टॉल आपको लगे दिखाई देंगे। तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल बाहर भी लगे हुए हैं, लोग बाहर भी खरीदारी कर रहे हैं और बाहर भी बेच रहे हैं। बाहर भी ज़बरदस्त क्राउड है दोनों तरफ में, और जिस गेट से हम निकल के बाहर आए हैं, अंदर से पूरी कवरेज करने के बाद जो अभी तक आपने देखी, और काफ़ी कुछ अंदर भी है और काफ़ी कुछ बाहर भी दिख रहा है। तो हमारी कोशिश है कि हम अंदर की चीज़ से दिखाएं, साथ में आपको बाहर की चीज़ भी दिखाएं, ये हमारी कोशिश है। हम आपको दोनों जगह की चीज़ें कवर करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से हमारी जर्नी वापसी की शुरू होती है। बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक, बहुत ज़बरदस्त है, जाम लगा हुआ है, गाड़ियाँ बीच में खड़ी हैं कई तरीके से। तो हम बढ़ते हैं बाहर की तरफ, और ये अवध विहार योजना के पास में लगा हुआ है। अगर आप आना चाहते हैं तो अवध विहार योजना स्टेडियम के आगे है शहीद पथ के पास, तो वहाँ आके आप कवर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। हुनर हाट हमने आपको दिखाया, उम्मीद है आपको हमारी कोशिश पसंद आएगी। अगर हमारी कोशिश पसंद आती है, प्लीज लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव सपोर्ट।